हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा सातवीं की बुक रेनबो में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का पांचवा चैप्टर लिटिल बर्डी, और जिसे लिखा है 19वीं शताब्दी के एक फेमस राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन का जीवन काल 1809 से 1892 ईस्वी के मध्य रहा था, और टेनिशन एक ब्रिटिश पोएट थे। उन दिनों ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का शासन था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन को 1829 में कैम्ब्रिज में, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये रहा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन का एक संक्षिप्त परिचय। चलिए हम हमारी कविता को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है लिटिल बर्डी। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. What does little birdie say? What does, क्या कहती है little birdie, छोटी चिड़िया, in her nest, अपने घोंसले में, at peep of day, दिन की शुरुआत के समय में। पीप कहते हैं दिन की शुरुआत के समय को, और पीप का मतलब वैसे झांकना भी होता है। पीप ऑफ डे का मतलब है दिन की शुरुआत, यानी कि जब दिन झांकता है, कहने का मतलब जब दिन की शुरुआत होती है, तो छोटी चिड़िया क्या कहती है, और बर्डी का मतलब होता है छोटी चिड़िया। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है, छोटी चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ने दो, मदर माँ, लेट मी फ्लाई अवे, मुझे दूर उड़ने दो, मुझे सुदूर उड़ने दो। बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, सो सी रेस्ट लिटिल लॉन्गर देन सी फ्लाइज अवे। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, व्हाट डज लिटिल बर्डी से। बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, बर्डी छोटी चिड़िया रेस्ट लिटिल लॉन्गर, रेस्ट लिटिल लॉन्गर, लिटिल का मतलब थोड़ा और लॉन्गर मतलब कि लंबा। कहने का मतलब यह है कि बर्डी छोटी चिड़िया थोड़ा सा आराम कर लो, टिल द लिटिल विंग्स, जब तक कि तुम्हारे ये छोटे पंख, विंग्स का मतलब पंख, आर स्ट्रॉन्गर, मजबूत नहीं हो जाते हैं, जब तक कि तुम्हारे ये छोटे छोटे पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम थोड़ा सा आराम कर लो। सो सी रेस्ट्स, इसलिए वह आराम करती है, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा, इसलिए वह छोटी चिड़िया थोड़ा सा आराम करती है, देन सी फ्लाइज अवे, और फिर वह उड़ जाती है, और फिर वो थोड़ा सा आराम करने के पश्चात उड़ जाती है। तो बच्चों, देखा आपने, पहले स्टैंजा में छोटी चिड़िया अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उड़ने दो, मुझे बहुत दूर उड़ने दो। तो माँ जो है उसको समझाती है, कहती है कि छोटी चिड़िया तुम्हारे पंख अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तुम उड़ नहीं सकती हो, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो, और आराम करने के बाद तुम उड़ना, जब तक तुम्हारे पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक तुम आराम करो। तो फिर क्या होता है, छोटी चिड़िया थोड़े दिनों तक आराम करती है, और जैसे ही उसके पंख मजबूत हो जाते हैं वह बहुत दूर उड़ जाती है। अगले स्टैंजा में देखिए, एक छोटा सा बेबी अपनी माँ से क्या कहता है, बेबी कहता है, What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. What does little baby say? What does little baby say? छोटा बच्चा क्या कहता है, अर्थात छोटा बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, और कहाँ से कहता है, इन हर बेड, अपने बिस्तर में से ही कहता है, एट पीप ऑफ डे, दिन की शुरुआत के ही समय में, अर्थात जैसे ही सुबह होती है, छोटा बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, वह बच्चा ठीक उसी छोटी सी चिड़िया की भांति कहता है, लेट मी राइज, मुझे उठाओ, मुझे उठने दो, एंड फ्लाई अवे, और मुझे भी उड़ने दो, मुझे भी दूर तक उड़ने दो, अर्थात मुझे चलना सिखाओ, मुझे दौड़ना सिखाओ। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शैल फ्लाई अवे। व्हाट डज लिटिल बेबी से, व्हाट डज लिटिल बेबी से। बेबी स्लीप, बच्चा सो जा, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर तक, बच्चा थोड़ी देर तक तुम सो जाओ,
Till the little limbs are stronger, जब तक कि तुम्हारे ये हाथ और पैर, limbs का मतलब होता है अंग, हाथ और पैर, तो माँ कहती है कि अ छोटे बच्चे तुम थोड़ा और सो जाओ जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाते हैं। If she sleeps a little longer, यदि वह थोड़ा सा आराम करेगा, थोड़ा सा सोएगा, baby too shall fly away, तो वह बच्चा भी shall fly away, दूर तक उड़ करके जाएगा। अर्थात जब बच्चा थोड़ी देर तक आराम करेगा, थोड़े दिनों तक आराम करेगा और उसके हाथ पांव मजबूत हो जाएंगे, तब वह भी चिड़िया की भांति ही बहुत दूर तक खेलेगा, बहुत दूर तक दौड़ेगा। तो बच्चों, यही थी आज की हमारी पोयम, और बहुत ही नाइस पोयम है ये। आप इसे गा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा गाने नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो आप भी अपने हिसाब से, अपनी धुन में इस कविता को गुनगुना सकते हैं और बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसका अर्थ भी बहुत ही ईजी है। आप इसे एक बार दो बार ट्राई करिए, निश्चित रूप से आप इसे बहुत बेहतरीन ढंग से गा सकेंगे और समझ सकेंगे। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।